अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू चांदनी का जायका। दोस्तों मैं आज बना रही हूँ मज़ेदार मटन मसाला करी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आप तो मटन खुरमा खा कर रहेंगे तो ये भी एक बार बना के खाओ। चलिए इस रेसिपी को बनाएंगे। यहाँ मैं तो टमाटर लेको हूँ 5 छोटे, प्याज लेको हूँ 7 मीडियम साइज के, ये आधे काट कर और आधे पीस कर डालना। 3 हरी मिर्च, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और मैं यहाँ लहसुन 20 से 25 कलियाँ लेको हूँ। यहाँ मैं 800 ग्राम मटन लेको हूँ। मटन को अच्छी तरह साफ करके धोकर रखी हूँ। इसी तरह का मटन हमको चाहिए, हड्डियों वाला मटन है ये। आपको जो पसंद है वही लेना। अब प्याज को काट लेंगे। ये मोटा मोटा प्याज काट रही हूँ मैं, 3 प्याज को काट रही हूँ। मिक्सी में पेस्ट बनाने के लिए प्याज को काट रही हूँ मैं। इसी तरह प्याज को काट करके मिक्सी में पेस्ट बना लेना। इसी के साथ हम अदरक लहसुन को भी इसी में डाल के पेस्ट कर लेना। आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट रहा तो भी डाल सकती। देखो ये मैं अदरक को भी काट ले रही हूँ। इसी को पेस्ट बना के रख लेना। अब ये बची हुई प्याज को भी हम काट लेंगे, स्लाइस में काटना है। ये प्याज को फ्राई कर लेना। देखो इसी तरह बारीक स्लाइस काट लेना। देखो ये प्याज अब इसी तरह पूरी प्याज भी काट लेना। ये अच्छी तरह हाथों से मैश कर लेंगे। ये बारीक बारीक स्लाइस भी जल्दी फ्राई होएगी ये प्याज। देखो ये अब फ्राई होने के लिए तैयार है ये। इसी तरह की हमको प्याज चाहिए। चलिए अब दूसरी तरफ जाएंगे। अब यहाँ टमाटरों को भी इसी तरह बारीक काट के मिक्सी में पेस्ट बना लेना। पेस्ट बना के साइड में रख लेंगे। टमाटर और हरी मिर्च को एक साथ पेस्ट बना लेंगे। यहाँ छोटे वाले टमाटर हैं ये, इसीलिए मैं 5 लेको हूँ। मीडियम साइज होना तो 3 टमाटर ले गए तो बस। ये बाजू में का काट रही हूँ मैं। इसी तरह काट के हरी मिर्च भी 2 हिस्सों में काट लेना, जल्दी पीस जाएंगे ये। अब ये पेस्ट बना लेना, बाजू में रख। अब यहाँ खड़े मसाले ले रही हूँ मैं। काली मिर्च 10 से 12, एक बादियन का फूल, 3 इलायची छोटी, 5 से 6 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, इसे बारीक तोड़ के रखी हूँ मैं। इन सबको हम फ्राई कर लेंगे। चलिए गैस ऑन करके मैं एक कुकर लेको हूँ, उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। अब ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद खड़े मसाले डालेंगे। ये खड़े मसाले डाल रही हूँ मैं। मसाले चटकने के बाद प्याज को डालेंगे। चटक रहे ही अब प्याज को डालेंगे हम। देखो इसी प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छी तरह फ्राई होना, गोल्डन कलर आने तक भून लेना। इसी तरह की हमको प्याज चाहिए।
देखो अब ये कलर चेंज हो रहा है। इसके बाद हम मटन डालेंगे। मटन को भी अच्छी तरह भून लेना। मटन का कलर चेंज होने तक हम भूनते रहना। मटन का पानी पूरा ड्राई हो जाएगा। देखो अब ये अच्छी तरह मटन भून रहा है। मटन को अच्छी तरह भूनना है, जितना जरूरी है हमको उतना मटन भूनना है। मटन का पानी ड्राई होना, उसके बाद ही मसालों को डालना। थोड़ा भी पानी नहीं है इसमें, उतना ही ड्राई हो रहा है। देखो अब इसी तरह का मटन भूनना है। अब इसी में हम पेस्ट डालेंगे, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी को भी अच्छी तरह भून लेना, मटन के साथ ही भूनना। मीडियम फ्लेम नहीं है ये तो, हाई फ्लेम ही है। अब यहाँ पर हम हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। यहाँ हल्दी आधा टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं कलर के लिए, इससे अच्छा कलर आएगा। अच्छी तरह भून लेना इसी के साथ। अच्छी तरह मिक्स हुआ है ये। देखो इसी तरह हम मसालों को डाल के भून लेंगे। अब यहाँ ढक के पकाऊंगी मैं 5 मिनट, 1 प्लेट मूझ के। ये 5 मिनट हुए हैं अब। देखो अब अच्छी तरह पक रहा है। मटन को अच्छी तरह भून लेना, उसी के बाद ही हम एक एक मसाले भी डालेंगे। अब यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी मैं। इसमें थोड़ा कलर कम है टमाटर का। इसी को भी अच्छी तरह पका लेंगे। अब यहाँ हसबे जायका नमक डाल रही हूँ मैं, 1.5 स्पून डाल रही हूँ मैं। आप टेस्ट देख के डाल लेना। टमाटो के साथ नमक डालने से अच्छी तरह टेस्ट और बढ़ जाएगा। यहाँ मैं धनिया का पाउडर डाल रही हूँ मैं, 2 टीस्पून। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना। जितने भी मसाले हैं वही अच्छी तरह मिक्स करके पका लेना। अब यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ, मैं इसी जार में 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। ml पानी है ये। पानी डालने के बाद हम ढक के 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट हुए ही। देखो अब ये अच्छी तरह मसाला पका हुआ है। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हम कुकर का ढक्कन मूचेंगे।
चार विजल आने तक हम वेट करेंगे। आपका मटन देख के आप विजल लेना। चार विजल हो गए हैं, अब लिड खोल के देखेंगे। देखो ये कितना कलरफुल दिख रहा है ना। अब यहाँ गैस ऑफ करके मैं चेक कर रही हूँ, मटन अच्छा गला हुआ है। अब फिर मैं गैस ऑन करके 5 मिनट और पकाऊंगी। इसी में अब और भी मसाले जाएंगे। यहाँ आधा नींबू का रस डाल रही हूँ मैं। यहाँ जायफल और जायत्री का एक एक पिंच पाउडर डाल रही हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे मज़ा और खुशबू ज़्यादा आएगी इसीलिए हम डाल रही। अब इसके साथ हम कसूरी मेथी को भी डाल रही थोड़ी सी। देखो ये आधा टीस्पून है, मैं पाउडर बना के रखी हूँ इसीलिए मैं डाल रही हूँ। अब यहाँ मैं थोड़ा पानी और डालूँगी, और एक ग्लास पानी डाल रही हूँ मैं। ढक के 5 मिनट पकाऊंगी। आपको ग्रेवी ज़्यादा होना तो पानी डाल सकती, कम होना तो और कम कर सकती। मैं यहाँ हरिया धनिया डाल रही हूँ थोड़ा। अब ये पक के रेडी हुआ है। देखो ये अब पक के रेडी हुआ है। मटन मसाला करी पक के तैयार है। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और मेरे चैनल को नए रहे तो सब्सक्राइब करना, और बाजू में बेल आइकन है उसी को भी क्लिक करना, क्योंकि नए नए वीडियो आपके साथ इसी तरह शेयर करूँगी। देखो अब सर्व कर रही हूँ मैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Thank you.